Good morning, all of you. Aajhe mati ke standard for structure Gujarati unit number 11 rangbe rangi mokda. To yahan par rangbe rangi mokda. To is lesson mein aapke jaise chote chote bachche aur jab wo rangbe ki rangbe rangi rangbe ki dukaan mein jaate to wahan ka jo bhi situation hota hai iske saath uske jo jo bhi friends hote hain वो रंगपड़े की दुकान में जाते कार्ड्स तो वहां की क्या सिचुएशन होती है वो इस लेसन में हम देखते हैं यूनिट नंबर 11 रंगबिरंगी रमकड़ा तो पहले मैं लेसन को रीड करती हूं नानू बाजार वतु अनेक दुकान होती एमो एक रमकड़ा की दुकान होती नाना मोटा रमकड़ा जात जातना रमकड़ा एक दिवस की बात छे बाजार में एक तूफानी घोड़ो आवी गयो आखा बाजार में तेनी दौड़ाटोड़ करी मुकी तो इस लेसन में आपके जैसे छोटे-छोटे बच्चे तो वो जब बाजार में जाते हैं तो उसके बारे में वो बताते हैं कि छोटा सा बाजार था और वो बाजार में बहुत ज्यादा दुकानें थी तो वहां पर दुकानों में रबड़े भी यानी कि टॉय शॉप भी थी तो वहां पर जो छोटे बड़े सब कुछ रमक में मिलते थे वो जाट-जाट अलग-अलग वैरायटीज के प्रकार के भी रमक में मिलते थे तो वो बता दे कि एक दिन की बात है कि बाजार में एक घोड़ो तूफानी घोड़ा भी गोने आखा बाजार में तेनी दौड़ा कर मुकी तो बच्चे का बता दे कि एक दिन की बात है जब एक दिन वो बाजार में जा गए थे टॉय शॉप की दुकान में तो वहां पर एक तूफानी हॉर्स था घोड़ा था वो वहां पर आ जाता है और क्या करने लगते हैं पूरी बाजार में दौड़ भाग करने लगता है दुकान फेंदाई गई हती आखो बाजार में फेंदाई गई हो तो घोड़ो तूफान मचाड़ी भागी गयो तो जैसे वो हॉर्स इस तरह से दौड़ा दौड़ी मचा मचाता है शोर बको करने लगता है तो क्या करता है पूरी दुकान जो थी वो इधर उधर अस्त व्यस्त हो गई थी पूरी की पूरी फैला दुकान जो फैल चुकी थी आखो बाजार में फेंदाई गई हो तो और जो बाजार था जो मार्केट था वो भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया था और ये हॉर्स जो था वो भी तबाही मचा कर वहां से भाग गया था राजू ए ससला ने मदद करी वीरा ने पण मदद करी रमकड़ा गोठवाई गोठवाता हता तो यहां पर एक ससला यानी कि जो पिया था तो वहां पर आपके जैसे छोटे छोटे लड़के जो थे बच्चे थे तो उसमें एक का नाम था राजू दूसरे का नाम था वीरा तो ये राजू था उसने एक जो ससला था उसकी उसने मदद की उसके बाद जो वीरा था वीरा ने भी उसकी मदद की ससला भाई रमकड़ा गोठवाता था तो यहाँ पर जो ससले भाई था वो जो खरगोश था वो भी पूरे टॉयज को इधर उधर सीधी तरह से रखते थे कितना रमकड़ा टूट गया था कितना गंदा थे गया था ससला ने दुकान में रमकड़ा गुटवाए गया था तो ये जो छोटे छोटे बच्चे लोग थे वो एक खरगोश की दुकान में गए थे तो वहाँ पर क्या करते थे जब वो हॉर्स आया था तो खरगोश की पूरी दुकान जो थी इधर उधर अस्त व्यस्त कर डाली थी तो वहाँ पर जो राजू और वीरा नाम के जो लड़के थे वो एक खरगोश भाई को हेल्प करते थे और उनके दुकान में जो हॉर्स की पूरी तबाही मचा कर रखती थी तो वहाँ पर कुछ टॉय जो थे वो टूट गए थे कुछ टॉय इतने डर्टी गंदे हो गए थे और इस तरह जो राजू और वीरा खरगोश भाई को हेल्प करते और खरगोश भाई के दुकान में जितने भी नौकर थे वो अच्छी तरह से गुटवा गए थे आगे देखते हैं कविता तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है तो हम रीड करते हैं दिवासरी ना खोखा लीधा तेना तो मैं डब्बा लीधा सौथी आगे मोडू कोफू बनावी दीदू एंजी मोडू तो यहाँ पर बच्चे होते हैं उसको बच्चे में क्या होती है क्यूरियोसिटी होती है कुछ ना कुछ जो चीज होती है इसमें से कोई नई नई क्रिएशन यानी कि जो सृजनात्मक चीजें करने की उस लोगों में क्यूरियोसिटी होती है तो यहाँ पर बच्चे जो है तो उसने क्या किया है जो दिवासरी होती है ना उसकी जो खोखे होते हैं उसमें से उसने एक एंजिन बनवाया है तो वो क्या करते हैं दिवासरी ना खोखा लीधा तेना तो मैं डब्बा लीधा तो यहाँ पर जो हम दिवासरी जो अग्नि पिटाने के लिए जो दिवासरी आती थी उसका जो बॉक्स था तो एक एक करके बॉक्स लेते हैं उसमें से वो क्या करते हैं एंजिन के डब्बे बनाते हैं चौथी आवरण मोटू गोफू बनाई थी तो एंजिन मोटू इसके बाद क्या करता है जो सबसे बढ़िया बॉक्स था वो बॉक्स को लेता है उसको उसने क्या बनाता है जो एंजिन का आगे वाला जो पार्ट था वो उसने बना दिया सिटी वाले को गाड़ी चाल छुप छुप तो हम देखते हैं जब गाड़ी चलती है तो उसकी सिटी बजती है उसको साउंड मिलता है और गाड़ी जो एंजिन वो आगे बढ़ता है तो इस तरह उसने सिटी बजती है तो इस तरह से जो गाड़ी है वो छुप छुप करके आगे चलती है
पग पग इंजन चालू जाए पाछड़ डब्बा दौड़ा जाए। तो इस तरह से जो उसका इंजन था वो बग बग की आवाज कर भी आगे चला देता था और इसके पीछे पीछे जो डब्बे थे वो इसके पीछे पीछे चलते थे। जाता जाता अभी भी धड़ाक और धड़ाक इंजन। तो जब भी ये बॉक्स की जो गाड़ी थी आगे चल रही थी तो वो क्या हुआ, आगे एक बढ़िया सा दीवार वॉल आती है और वो क्या करता है, जो इंजन जो इसके साथ धड़ाक देकर इसके साथ टकरा जाता है। इंजन ना तो भूखा था या तो ना डब्बा छूटा था। हम जानते हैं जब रियल का इंजन होता है तो जब एक किसी चीज के साथ टकरा जाता है तो क्या होता है, इधर उधर डब्बे जो रेल की पटरी से नीचे पड़ जाते, किसी को इजा होते, कुछ हर्ट होते, कुछ मर जाते। तो ये तो बॉक्स का इंजन है ना, तो क्या होता है जो वॉल के साथ टकराता है तो उसके जो भी डब्बे थे वो डब्बे टूट जाते हैं, उसका भूखा हो जाता है। डब्बा मम्मी ने कोका खाया रमत हमें तो रमी है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बॉक्स में से उसने जो इंजन बनाया था, इंजन के जो डब्बे बनाए थे वो दीवार के साथ जैसे टकराते थे उसके साथ वो डब्बे एक एक करके छूट जाते। तो फिर से वो डब्बे में से क्या हो गया, जो बॉक्स था वैसा का वैसा ही वो बॉक्स भी बना रहा और इस तरह उन लोगों की रमत भी फिनिश हो गई। तो यहाँ पर हमारा लेसन कम्प्लीट होता है। थैंक यू।